हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सुधा डबराल, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हमें पहले तो इनको सॉल्व करना है और हमें ये बताना है कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन पर बेस्ड मैंने वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने पूरे डिटेल से आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में समझाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, तब इस क्वेश्चन को समझिए, आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। क्लियर बच्चों? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 36/100 हम इसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। हम न्यूमरेटर को यहाँ पे लिखेंगे और डिनोमिनेटर को इधर। अब 36 को हम 100 से डिवाइड करेंगे। 36 100 से स्मॉलर है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, जीरो डेसिमल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। तो 100 3 300, देन इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 60। डेसिमल के वजह से यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा, 100 6 600। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा आंसर डेसिमल में तो आया, क्वेश्चन में भी बोला है कि आपको डेसिमल में आंसर देना है, डेसिमल में हमारा आंसर आ तो गया। अब हमें ये बताना है कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका नाम बताना है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.36 इसका आंसर आया, और ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है, टर्मिनेटिंग है। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर बच्चों? ओके, क्योंकि ये पूरा क्लियर कट डिवाइड हो चुका है 100 से, भले ही हमारा आंसर डेसिमल में आ गया लेकिन हमारा रिमाइंडर यहाँ पे जीरो आया है और डेसिमल के 2 प्लेस तक हमारा आंसर आया है, तो इस वजह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। इसका सेकंड पार्ट है 1/11। हम 1 को डिवाइड करेंगे 11 से। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 जो है 11 से स्मॉलर है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें डेसिमल रखना पड़ेगा और यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। अभी भी ये 10 आया है जो कि 11 से स्मॉलर है, हम यहाँ पे एक जीरो रखेंगे, यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा। अब ये हो गया 100। अब 100 आराम से 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 9 99, सब्ट्रैक्ट करो, 1 आया। ओके, 10 9 1, ओके यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ओके, सब्ट्रैक्ट करने पर डेसिमल की वजह से एक जीरो तो आएगा ही, लेकिन ये 10 है, ये 11 है, 10 अभी छोटा ही है 11 से। हम क्या करें, 10 स्मॉलर है 11 से, हम क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ और लगाएंगे, तो यहाँ पे जीरो रखेंगे। ये हो गया 100। अब 11 से फिर डिवाइड करेंगे 100 को, तो 11 9 99, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हमारे पास आएगा आंसर, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे आएगा 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब क्या है, ये 1 अभी भी 11 से छोटा है, हम डेसिमल के वजह से यहाँ 0 आ जाएगा। 10 अभी भी 11 से स्मॉलर है, हम एक 0 यहाँ लगाएंगे और एक 0 यहाँ पे। फिर 11 9 99, फिर हमारे पास फिर आंसर आया 1 सब्ट्रैक्ट करने पर, और यहाँ कुछ नहीं। तो यहाँ देखो, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, यहाँ पर देखो 09 09 09 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। आप खुद देखिए, 100 किया, 99 आया, फिर 1 आ गया, फिर इसको 100 किया, 99 आया, फिर 1 आया, फिर इसको 100 बनाया, 99 आया, फिर 1 आया। ये तो कंटिन्यूसली एक जैसा चलता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है कंटिन्यूसली। तो इसका मतलब ये कौन सा डेसिमल हो गया, इसका मतलब क्या है कि 1/11 का जो हमारे पास आंसर है वो है 0.09 09 09 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। अब ये जो 09 है ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। दूसरी बार ये डेसिमल में हमारा आंसर तो आ गया, डेसिमल में आंसर आ गया है, लेकिन हमारा जो रिमाइंडर है वो नहीं आया है, वो जीरो नहीं आया है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पा रहा है 11 से। ओके, और थर्ड पॉइंट ये है, आंसर आ रहा है वो 09 09 09 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जिस वजह से ये हमारे पास हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग, जिसको हम रेक्यूरिंग भी कह सकते हैं, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर बच्चों? रिपीटिंग को हम रेक्यूरिंग भी कह सकते हैं। ओके बच्चों, थर्ड पार्ट है हमारे पास 4 1/8। पहले ये तो हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, हम इसको पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके बच्चों, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 4 से, 4 8 जा 32 प्लस 1 33 अपॉन 8। ओके, अब 33 को 8 से डिवाइड करो, तो क्या आएगा आंसर, 8 4 जा 32, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 डेसिमल 0, 8 1 जा 8 2 0, डेसिमल की वजह से यहाँ 0 आ गया, 8 2 जा 16, फिर सब्ट्रैक्ट करा तो 4 आया, फिर डेसिमल की वजह से यहाँ 0, 8 5 जा 40। ओके, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, और जब हमने डिवाइड किया 33 को 8 से तो हमारे पास आंसर आया 4.125। और ये क्या है, रिमाइंडर भी 0 आ गया है, डेसिमल में हमारा आंसर आया है, और डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक हमने इसे जब डिवाइड किया तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। ओके बच्चों, तो जिस वजह से हम इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन था ये। हम फोर्थ पार्ट करते हैं, अब हम 3 को 13 से डिवाइड करेंगे। ओके, 3 को 13 से, देखो बच्चों 3 तो स्मॉलर है 13 से, हमें यहाँ पे डेसिमल तो लगाना ही पड़ेगा, और जिस वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा। 13 2 जा 26 सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे 4 आ गया, डेसिमल की वजह से यहाँ 0 हो जाएगा, 13 3 जा 39 सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ 1 आएगा, डेसिमल के वजह से यहाँ 0 आ गया। 13 से स्मॉलर है, हम यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 13 7 जा 91 सब्ट्रैक्ट करो 10 में से, बन गया 9, और यहाँ तो कुछ नहीं आएगा। ओके, डेसिमल के वजह से यहाँ आ गया 0। ओके नाउ 13 6 जा 6 से 18 में जा सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 2 12। क्लियर बच्चों? मैं यहाँ पे करती हूँ फिर 12 को, हमारे पास 12 आया, मैं यहाँ कर लेती हूँ 12। जब 12 आया हमारे पास यहाँ आंसर, तो अब हम क्या करेंगे, 12 स्मॉलर है 13 से, तो यहाँ पे डेसिमल की वजह से 0 आ गया, और 13 9 जा 117 होता है। ओके, सब्ट्रैक्ट करो 13 में से 3 7 गए तो 3। ओके, अब फिर क्या करेंगे, फिर हमें डेसिमल की वजह से यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 13 2 जा 26 आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, फिर 0 डेसिमल की वजह से, फिर 13 3 जा 39, फिर 1 आया डेसिमल की वजह से 0, लेकिन अभी भी ये 10 है, ये 13 है, ये 10 छोटा है स्मॉलर है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और 13 7 जा 91 फिर सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 9, फिर डेसिमल की वजह से 0 लगा देंगे, और 13 6 जा 78 फिर हमारे पास आएगा 12, यहाँ पे डेसिमल की वजह से 0 लगाऊंगे तो 13 9 जा 117। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, तो अगर आप देखें तो 2 3 0 7 6 9 2 3 0 7 6 9 ये रिपीट हो रहा है ये। ओके, जब ये रिपीट हो रहे होते हैं तो हम इन पे बार लगा देते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये ऐसे ही रिपीट होते जाएंगे, और इसका मतलब ये हो गया कि 13 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 upon 13 = 0.230769, और यही नंबर्स फिर दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो जिस वजह से मैं यहाँ पे बार लगा दूंगी। ये बार ये शो करता है कि ये जो नंबर्स मैंने लिखे ये रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब जब ये फुल तरह से ये जब डिवाइड नहीं हो रहा है पूरा, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, आपका आंसर डेसिमल में भी आ गया, और साथ में
ये रिपीट हो रहे नंबर, तो यानी कि आपका जो आंसर है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर बच्चों? अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, 2/11। ओके, नाउ हम 2 को डिवाइड करेंगे 11 से। 2 इज स्मॉलर देन 11, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 11 टू जा तो हो नहीं सकता, 11 सब्ट्रैक्ट करो 9, डेसिमल के वजह से 0, 11 एट जा 88, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। ओके, यहाँ फिर डेसिमल के वजह से 0, फिर 11 बन जाए 11, 9 डेसिमल के वजह से 0, 11 एट जा 88, फिर आया 2। तो क्या हो रहा है, आप ये देख रहे हैं ना, 1818 रिपीट होता जा रहा है, 1818 रिपीट होता जा रहा है। ओके, एंड सोन ये ऐसे चलता रहेगा, इसका मतलब ये पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा, 11 2 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो जिस वजह से हम क्या लिखेंगे कि 2/11 का जो आंसर है 0.18 आया है, और 18 रिपीट हो रहा है तो मैंने इसमें बार लगा दिया है, और ये जो है डेसिमल में भी आंसर आ गया है, रिपीट हो रहा है, और हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर बच्चों? चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट हो गया हमारा, अब ना क्वेश्चन फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट करने जाएंगे हम। 329 को डिवाइड करेंगे 400 से। ओके, देखो बच्चों, ये है 329 और दूसरा है 400, तो 329 स्मॉलर है 400 से, हम क्या करेंगे, 0 डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 400 एट जा 3200, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 90 आएगा, डेसिमल के वजह से 0 आ जाएगा, 400 टू जा 800, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 आ गया, डेसिमल के वजह से एक 0 आ जाएगा, और फिर हम इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो 400 टू जा 800। ओके, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 200, और डेसिमल के वजह से 0 आ जाएगा, और 400 फाइव जा कितना हो जाएगा 2000, सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0, और इस वजह से यहाँ पे जो हमारा इसका आंसर आया है वो कितना 0.8225 है। ओके, और ये क्या है, 329 जो है 400 से पूरा डिवाइड भी हो चुका है, और हमारा आंसर डेसिमल में भी आया है, इसलिए हम इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके बच्चों, और इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन फर्स्ट फिनिश कर दिया। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट देना ना भूलें।